राधे, मैं शिवानी को फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल विश्वास में, आपके अपने चैनल विश्वास में। तो आज है छठा नवरात्र, माँ कात्यायनी का दिन यानी कि डे रेड। तो हम सब ने रेड पहन लिया, इंक्लूडेड कंगन और हमारे माधवन। तो बस हम पूजा पे बैठ रहे हैं अभी, और आज लगने वाला है माँ को शायद कभू, और आज का मंत्र है ओम ऐम ईं क्लीं कात्यायनी नमः। तो पूजा कर रहे हैं, और आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आते रहे जल्द से जल्द। यहाँ मैंने उड़ लिया लाल चुनरिया मेरे माँ के नाम की। तो हम करेंगे पूजा पूजा पूजा। दिख रहे माँ, दिख रही है, दिख रहे अंधेरा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारी वॉइस वगैरह ज़्यादा नहीं आई है, पता नहीं कई बार ऐसे कुछ हो जाता है कि वॉइस नहीं आई। इस वीडियो में दो बार मेरी वॉइस कट हो गई है, तो इसलिए मुझे ऊपर से वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो वीडियोस को किस लिए लेट हुई, आपको कुछ वीडियो में झलक रहा होगा, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़बरदस्त फुला बैठा होता है, यहाँ तक कि मैंने सप्तशती पाठ का प्रण लिया था कि मैं इस नवरात्रि उसको पूरा करूँगी विधि विधान के साथ। तो वो भी मैं 2-3 दिन ही पढ़ पाई, उसके बाद आवाज़ बिल्कुल गले से नहीं निकली, जिसके चलते मेरे पतिदेव ने जो है उस पाठ को पूरा किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा कर रहे थे तो मैं अभी जहाँ मर्जी घूम फिर रही थी, और मैंने बैठ करके पाठ को सुना, क्योंकि अगर पाठ का जो प्रण है वो मैंने लिया है कि मुझे करना है, तो बनता है कि मैं उस पाठ को सुनूं पूरा तरीके से। और अगर आप भी नहीं करते हैं पाठ, तो मुझे यही कहना है कि आप एक बार करके देखिए, एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही शांति उस पाठ को करने के बाद हमें मिलती है। और सेकंड चीज़ कि उस पाठ को पढ़ने का जो है तरीका होता है, कई लोग आपको कहेंगे कि कुछ नहीं होता ऐसा, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं अगर आप नॉर्मली पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी अपने कार्य के चलते उसको पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसका एक विधि विधान होता है, उसी से आप उसे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ उस पाठ को बस आप एक बुक की तरह पढ़ें। अगर आपको कहते हैं किसी कोई किसी मन्नत के लिए पढ़ता है, कोई एक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जो ये पाठ होते हैं। सबसे ज़्यादा इसका जो मान्यता होती है वो होती है आपका नवरात्रि में, तो चाहे आप इसे गुप्त नवरात्रि में पढ़ें, चाहे आप इन्हें जो हम सभी दो नवरात्रि जानते हैं चैत्र और शरद की, चाहे आप उन नवरात्रि में पढ़ें, एज योर विश, आपकी इच्छा है कि आप किस नवरात्रि में पढ़ना चाहते हैं। बट अगर आप अगर इसे नवरात्रि में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने पहले नवरात्रि संकल्प लिया है कि आप इसे पढ़ेंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इसे 9 दिनों के अंदर अंदर इसको समाप्त कर दें, यानी कि आपके कन्या पूजन से पहले पहले। और इस व्रत कह रही हूँ, इस जो सप्तशती को पढ़ने का एक नियम होता है, अगर आप सभी डिमांड करेंगे इसके कमेंट में, तो मैं ज़रूर आप सभी को वो पढ़ने का जो सही तरीका है, जिसको पढ़ करके आपको कुछ प्राप्त होगा, तो वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, ज़रूर समझा दूंगी। तो जो मैंने सप्तशती किया वो पूरे के पूरे नियम के साथ हुआ है। कई लोग जो हैं सप्तशती का पाठ एक दिन में भी समाप्त कर देते हैं, कई 2 दिन में भी। उसमें अब बेसिकली माता रानी के जो 3 चरित्र का बखान है, यानी कि दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, तो तीनों जो स्वरूपों का उसमें पूरा व्याख्यान है। तो आप जब पढ़ते हैं तो आप एक एक चरित्र को भी लेकर पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो एक एक अध्याय को लेकर के पढ़ सकते हैं,
लेकिन बार बार यही कहूँगी कि पढ़ने का एक तरीका होता है, किसी भी चीज़ को अधूरी जानकारी के साथ नहीं करना चाहिए। मैं जैसे कि देखती हूँ लोग औरों के देखम देख हर चीज़ करने लगते हैं, लेकिन उसकी सही जो विधि है वो पता ही नहीं है और वो फिर हमारी लगती नहीं है। जैसे कि तुलसी माला का ही ले लो, हर कोई पहन रहा है, फैशन बना लिया है तुलसी माला को। तो ये जो होती हैं तुलसी माला, रुद्राक्ष माला, इनको पहनने के नियम होते हैं कुछ, इसीलिए तो नियम बनाए गए हैं कि आप उन नियमों को करें। लेकिन आप सभी की नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे सीरियस लेते नहीं हैं इन सब बातों को, उनको लगता है कि कुछ नहीं होता ऐसा। तो अगर हम एक तरफ भक्ति कर रहे हैं और एक तरफ हम पाप के भागी बन रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारा उस चीज़ का। इससे अच्छा तो ये है कि हम उस चीज़ को करें ही ना, ठीक है ना। तो ऐसे ही सप्तशती का भी है कि अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो मैं प्रिफर करूँगी कि आप विधि विधान से पढ़िए। आप यकीन मानिए आपको खुद अच्छा लगेगा और आपको खुद एक शक्ति फील होगी अपने अंदर भी, एक ऊर्जा फील होगी अपने अंदर भी। अब बहुत से जो लोग हैं वो इस चीज़ को ना समझ के इस चीज़ पे तर्क वितर्क करने आ जाते हैं, क्योंकि भाई मैं भी उस चीज़ का बुरा नहीं मानती। जो अज्ञानी हैं जिनमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि जो चीज़ हमें नहीं पता है उसको हम समझने की जो है कोशिश करें, चाहे वो माध्यम कोई भी है, हमें उससे मतलब नहीं है कि हम किससे सीख रहे हैं। मुद्दा यह है कि हम क्या सीख रहे हैं। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि अगर मैं भी सीख रही हूँ तो मैं तरीके से कुछ चीज़ सीखूँ, किसी से भी सीखूँ, है ना। क्योंकि देखिए हर कोई एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहा है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सब माँ के पेट से सीख करके आते हैं, सभी सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो, लेकिन कई लोग उसको सीरियसली लेते नहीं हैं, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा और हस्बैंड से इसलिए पढ़वाया क्योंकि कोई भी पार्ट है अगर आप उसको संकल्प लेके शुरू कर देते हैं तो वो बीच में छोड़ा नहीं जाता। इससे रिलेटेड भी मैं एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि पार्ट कभी भी छोड़े नहीं जाते हैं, पाठों को पूरा किया जाता है। और जो है अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आपके स्थान पर कोई और उस पाठ को पूरा कर सकता है, चाहे किसी का सूतक है, पातक है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने संकल्प लिया है इट मीन्स आपको पाठ पूरा करना है। अब आप कहेंगे दीदी तो ऐसी बातें कर रही है, लेकिन दीदी सही कह रही है। चाहे बेशक से वो जब चीज़ इस तरीके से हो जाए कि जब आप दोबारा पाठ कर सकें तो आप दोबारा से संकल्प लेके उस चीज़ को शुरू कर सकते हैं। लेकिन कभी भी पाठ, अगर आपने संकल्प ले लिया है कि आपको पढ़ना है, कोई भी हो, चाहे भगवद गीता हो, रामायण हो, कुछ भी हो, अगर आप संकल्प लेके पढ़ रहे हैं कि मैं इतने दिनों में इसको पढ़ूंगी या मैं इस चीज़ के लिए, इस चीज़ की प्राप्ति के लिए इसको पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हूँ या जो भी है, तो आप उसे पूरा ज़रूर करें। चाहे कोई भी आपके स्थान पे पूरा करे या आप पूरा करें, लेकिन उसे पूरा ज़रूर करें। तो बस यही मैंने सोचा, अभी यहाँ पे वॉइस नहीं आ रही है आपको, तो कुछ तरीके की बात आप सबको बता दी जाए। और कुछ व्लॉग्स छोटे हैं, कुछ व्लॉग्स बड़े हैं, कोशिश कर रही हूँ सारे व्लॉग जल्दी से जल्दी दूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जब आवाज़ बैठी हुई थी उसके बाद से अब जाके मेरी आवाज़ थोड़ी सी ठीक हुई है। और जो है टाइम भी देखना रहता है कि टाइम क्या है क्या नहीं है, कितना है, ऐसा तो नहीं कि बस यही मेरे लिए सब कुछ है कि मैं बस YouTube ही बैठ करके बनाती रहूं, है ना। तो सब कुछ देख करके चलना पड़ता है घर गृहस्थी में। हर लेडी को जो भी अगर घर संभालती है, गृहिणी भी है साथ साथ बाहर का भी कुछ कर रही है, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो यहाँ तो मैं बाहर के साथ साथ YouTube का भी संभालने की कोशिश कर रही हूँ और बनाती इसलिए हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे ये भी अच्छा लगता है। इसी बहाने मेरी एक फैमिली बन रही है जो कि अविशास फैमिली है, और उन फैमिली मेम्बर्स को मैं प्रेफर करती हूँ कि जो मेरा साथ देंगे, जो मुझे सपोर्ट करेंगे। और आपका सपोर्ट प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब आप ये कहते हैं कि दीदी इस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आइए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि आप एटलीस्ट डिमांड तो कर रहे हैं कि आपको क्या चाहिए वीडियोस में। तो मुझे इससे ये भी पता चलता है कि आप वीडियोस पसंद कर रहे हैं। तो ज़्यादा ना कहते हुए बस यही कहूँगी कि वीडियो देखते रहिए, आगे आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आने वाली हूँ जो कि शूट हो चुके हैं, बस एडिट होकर के आप तक पहुँचाना बाकी है। और पूरी कोशिश रहती है कि सभी चीज़ प्रॉपरली आप तक मैं पहुँचाऊँ। तो आप अब देखिए आगे का वीडियो, और जब तक मैं शिवानी लेती हूँ आपसे इजाज़त।
प्रियास्मिका देव देवाचक प्राण देव देवाचक प्रिया देव देवाचक उत्साहा देव देवाचक श्रया देव देवाचका विघ्ना देव देव प्रसूरपि देव देवस्य जननी देव देव विधायिनी देव देवस्य रमणी देव देव हृदाश्रया देव देवेश्च देवी च देवता पसपालिनी देवता भाव संतुष्टा देवता भाव तोषिता देवता भाव वरदा देवता भाव सिद्धिदा देवता भाव संसिद्धा देवता भाव संभवा देवता भाव सुखिनी देवता भाव वंदिता देवता भाव सुप्रीता देवता भाव हर्षदा देवता विघ्नहंत्री च देवता द्विष्टनाशिनी देवता पूजित पदा देवता प्रेमतोषिता देवता कारनिलया देवता सौख्यदायिनी देवता निज भावा च देवता हृतमानसा देवता दिन तुम अत्यंत सब पर कृपा बरसाए रखे और जैसे हर किसी का उद्धार किया आपका भी करे, दुष्टों का संहार करे माँ, कन्हैया को हमेशा मेरे साथ बनाए रखे, शन्नू को लंबी उम्र दे, अनंत को हमेशा हमारे साथ बनाए रखे, मेरे घर पर कृपा बनाए रखे। शाम की पूजा और यहाँ लग गए हमारे गद्दे क्योंकि जमीन पे सोएंगे और इस बार मैं उसके लिए फोल्डेबल गद्दे ले आई हूँ ताकि हम फोल्ड करके इसको रख दें इजीली और हमें ऐसे तय ना करने पड़े। उनके अच्छे हैं और यहाँ पर मैं थोड़े से पापड़ तल रही हूँ अभी चाय के साथ, चाय बन गई है पापड़ तल। यहाँ फ़ोन हो रहा है बहुत ज़्यादा हैंग, तो ना बोलना कि क्यों हैंग हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, मेरी आवाज़ गई है बहुत ज़्यादा बैड, आवाज़ नहीं निकल रही है।